हेलो एंड वेलकम टू हॉलीवुड स्टोरी हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई मूवी स्टोरी जस्ट लाइक हेवन लेके आए हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें इस कहानी में आला बेजत मैटरसन को दिखाया जाता है, जो कि एक यंग डॉक्टर रहती है और ये अपनी काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार रहती है। इसके लिए इसकी ज़िंदगी में बस इसका काम ही सब कुछ होता है। यह 24 घंटा अस्पताल में रहती और अपना काम करती रहती और ये काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहती है। एक दिन नॉर्मली ये अपने अस्पताल में काम कर रही होती है और इसके अस्पताल में इसकी बहन इसे फ़ोन करती है और उसे कहती है, दिन भर काम काम काम, आज मेरे घर डिनर पार्टी है और तुम आ रही हो और मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट भी फिक्स किया है, तुम्हें आना होगा। इसके बाद वो बोलती है, ठीक है, मैं ज़रूर आने की कोशिश करूँगी। उस दिन एलिजाबेथ मैटरसन अपने काम से थोड़ा जल्दी छुट्टी ले लेती है और निकल पड़ती है अपनी बहन के घर ओर। लेकिन जब ये रास्ते में होती है तो इसकी गाड़ी का एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं ये सीन कट छोड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों कहानी 3 महीने आगे आ जाती है, जहाँ पर हमें डेविड एबॉट को दिखाया जाता है। यह एक आर्किटेक्ट होता है जो कि नया अभी शहर में आया होता है और इसे किराए पे मकान चाहिए होता है और ये उसी मकान को रेंट पे लेता है जहाँ पर पहले एलिजाबेथ रहा करती थी। डेविड को ये अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि यह सिटी सेंटर में होता है और यहाँ से पूरे शहर को देखा जा सकता है, इसलिए अपार्टमेंट को रेंट कर लेता है। जब वह शुरू में यहाँ पे शिफ्ट करता है तो उसे अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है। लेकिन एक दिन जब ये बैठा रहता है तो इसके सामने एक लड़की आ जाती है और कहती है, तुम मेरे घर में कैसे आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और उसे वहाँ जाने के लिए कहता है और वो कहती है, मैं जा रही हूँ पुलिस को बुलाने। लेकिन जब डेविड उसके पीछे जाता है तो वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। डेविड को लगता है कि मुझे हेलुसिनेशन हो रही है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके नहाने चला जाता है। लेकिन जब वो नहा के बाहर निकलता है तो वो देखता है वही लड़की फिर से वहीं बैठी हुई है और उसे पूछती है, अब तक तुम मेरे घर से गए नहीं, और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। डेविड को एलिजाबेथ बार बार दिखती और गायब हो जाती, इसलिए डेविड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर डेविड सबसे पहले अपने दोस्तों से राय बात लेता है। उसके दोस्त कहते हैं, शायद तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता और एलिजाबेथ उसके घर में हम आराम से घूमती रहती। एक दिन वो एलिजाबेथ से पूछता है कि तुम हो कौन, पहले ये बताओ। इस पे एलिजाबेथ अपने आप को पहचान ही नहीं पाती। वो कहती है, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ मैं हूँ कौन, ना अभी पुलिस को बताती हूँ, तुम्हारी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। इस पे डेविड कहता है, अच्छा ठीक है, पुलिस को तुम बुलाओ। और जैसे ही एलिजाबेथ एक फ़ोन को उठाने जाती है तो उसका हाथ आर पार चल जाता है और वो जब भी ऐसा करने की कोशिश करती तो वो पूछती है, ये तुमने क्या किया। इस पे डेविड उसे बताता है, लगता है तुम मर चुकी हो और ये तुम्हारी आत्मा है जो कि भटक रही है। इस पे एलिजाबेथ गुस्सा हो जाती है और ये बात मानने से बुरी तरीके से इनकार कर देती है और कहती है, अपना मुंह तो तुम शांति रखो, और उससे बार बार कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ बस। इसके बाद डेविड बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इसके बाद वो एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर वो एक किताब खरीदता है और शहर से अलग अलग भूत भगाने वाले को बुलाता है, पर जितने भी वहाँ बाबा आते हैं वो सारे फर्जी रहते हैं और सभी उसको मतलब चूना लगा के चल जाते हैं। लेकिन एक बंदा जिसका नाम रहता है डैरियल, वो आता है और उसे बताता है, एलिजाबेथ मरी नहीं है। और वो डेविड से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी पुराने प्यार को जाने देना चाहिए दिल से, जिसके बारे में तुम आज भी सोचते हो। एलिजाबेथ कहती है, ओह तो तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। और इतना सुनने के बाद डेविड पूरी तरीके से बौखला जाता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। जो डैरियल रहता है वो एलिजाबेथ को देख तो नहीं सकता लेकिन उसे कहता है, किसी मरे हुए का मजाक नहीं उड़ाते। इसके बाद एलिजाबेथ समझ जाती है, लगता है डेविड ने किसी अपने को खोया है। डेविड छत पे जाकर काफ़ी उदास बैठा होता है और तभी वहाँ पे एलिजाबेथ आती है और वो उसे सॉरी बोलती है और पूछती है, तो कौन थी वो जिसकी यादों में तुम आज तक खोए हुए हो। इस पे डेविड उसे बताता है, दरअसल वो मेरी वाइफ लॉरा थी, जिसकी आज से कुछ महीने पहले मौत हो चुकी है और मैं उसके गम को भुला नहीं पा रहा हूँ।
डेविड वहां से उठता है और जाने लगता है। एलिजाबेथ पूछती है, तुम जा कहां रहे हो? डेविड कहता है, तुम कौन होती हो जानने वाली? डेविड जाता है सीधे बार के अंदर, लेकिन एलिजाबेथ उसे बहुत रोकती है, कहती है तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, ये सारी चीजें बुरी होती हैं। लेकिन डेविड उसे कहता है तुम्हें इससे मतलब? दरअसल जो एलिजाबेथ थी वो सिर्फ डेविड को दिख सकती थी, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि डेविड शायद पागल हो गया है जो कि अकेले में ही बात करता है। फाइनली डेविड एलिजाबेथ से पूछता है, अच्छा ये बताओ मेरी जिंदगी से दूर जाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? इस पे एलिजाबेथ कहती है, प्लीज बस तुम मेरी इतनी मदद कर दो कि मैं कौन हूँ, बस मुझे इतना जानना है। इसके बाद डेविड कहता है, डील, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम कौन हो, और जैसे ही तुम्हें मालूम चलेगा तो तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाना। इस पे कहती है एलिजाबेथ, ठीक है। इसके बाद डेविड और एलिजाबेथ सबसे पहले उस अपार्टमेंट में रह रहे सारे पड़ोसी से पूछते हैं एलिजाबेथ के बारे में, लेकिन कोई भी पड़ोसी उसके बारे में नहीं बता पाता, क्योंकि दरअसल एलिजाबेथ पहले डॉक्टर थी और वो 24 घंटा अस्पताल में रहती थी। वो रूम तो बस किराए पे ली हुई थी लेकिन वहां रहती नहीं थी, जिसके कारण उसे कोई भी नहीं जानता था। यहां पे ये दोनों परेशान हो जाते हैं और एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, जहां पे वो कहती है, एलिजाबेथ ये रेस्टोरेंट मुझे जाना पहचाना लग रहा है, मैं यहां बहुत बार आ चुकी हूं खाना खाने। कि तभी वहां पे एक आदमी रहता है जिसको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो मरने वाला ही होता है। एलिजाबेथ कहती है, चलो चलो हम उसे बचाते हैं। डेविड कहता है, मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूं कि उसे जाऊंगा। एलिजाबेथ कहती है, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बचाना है। इसके बाद डेविड उस आदमी के पास जाता है और कहता है, आई एम डॉक्टर, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ। और एलिजाबेथ उसे बता रही होती है कि तुम ऐसे ऐसे कट लगाओ, ऐसे ऐसे काम करो तो ये बच जाएगा। और एलिजाबेथ के कहने पर जो जो करता है डेविड, उसके द्वारा वो बंदा बच जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ को याद आता है, हाँ शायद मैं डॉक्टर थी, और उसे अपना नाम भी याद आ जाता है, एलिजाबेथ मैडिसन, और उसे अपने बारे में सब कुछ याद आ जाता है। एलिजाबेथ कहती है, मैं एक पास के अस्पताल में काम करती थी। इसके बाद एलिजाबेथ और डेविड पास के अस्पताल में जाते हैं, जहां पर एलिजाबेथ उस अस्पताल को देखते ही उसकी सारी यादें ताजा हो जाती है और वो कहती थी, हाँ हाँ मैं यही काम करती थी, पर मुझे ये नहीं याद आ रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या है। इस पर डेविड कहता है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। डेविड जाता है वहां के रिसेप्शनिस्ट से एलिजाबेथ मैडिसन के बारे में पूछता है, वो उसे बताती है, एलिजाबेथ मैडिसन वो तो एक्सीडेंट उसका हो गया है और वो पिछले 3 से कोमे में है। यह सुनने के बाद डेविड शॉक में पड़ जाता है और एलिजाबेथ जो कि एक कमरे में गई होती है, वो पाती है अपनी ही बॉडी को कोमा में पाई हुई। फ्रेड उसे बताती है कि दरअसल एलिजाबेथ के एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चली गई और वो हमारे अस्पताल की सबसे अच्छी डॉक्टर थी, इसलिए हमने उसे स्पेशल ट्रीटमेंट केस में 3 से अपने अस्पताल में कोमा में रखा है। इसके बाद डेविड पूछता है, अच्छा क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? फ्रेड कहती है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। इसके बाद वो एलिजाबेथ के कमरे में उसे ले जाता है, जहाँ पर डेविड जब एलिजाबेथ को छूता है तो जो उसकी आत्मा रहती है, जो सामने खड़ी रहती है, कहती है, हाँ मुझे कुछ फील हो रहा है, और जो जो उसकी बॉडी पे छूता वो एलिजाबेथ को फील देता। कि तभी एलिजाबेथ उससे बोलती है, तुम्हें मुझे यहाँ तक लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब हमारा तुम्हारा साथ यहीं ख़त्म होता है। और डेविड भी उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ अपनी ही बॉडी के पास खड़ी होती है कि तभी वहाँ पर एबी आती है, जो उसकी बहन होती है, और वो एलिजाबेथ को देखने आई होती है। एलिजाबेथ उसको देख के बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एबी उसको नहीं देख पाती। कि तभी वहाँ का डॉक्टर आता है और उसकी बहन एबी से कहता है कि मैम आपकी बहन 3 से पिछले कोमा में है और हमें नहीं लगता कि यह कभी रिकवर कर पाएगी, इसलिए हम इसे बहुत जल्द इसकी लाइफ सपोर्ट से हटा रहे हैं, लेकिन हमें आपका साइन चाहिए ऐसा करने के लिए। इस पे उसकी बहन एबी कहती है, इतनी जल्दी नहीं, मैं आपको इसके बारे में सोच के बताऊंगी। ये कहने पर डॉक्टर उसे फॉर्म दिखाता है, जहाँ पर एलिजाबेथ ने लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे ज़्यादा बचाने की कोशिश नहीं करना, जो ऊपर वाली की मर्जी होगी मैं उस पर जाना चाहूँगी। लेकिन एलिजाबेथ जब ये पढ़ती है तो कहती है, हाँ मैंने उस समय कहा था पर अब मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर अभी कहती है, ठीक है मैं आपको सोच के बाद बताऊँगी जो भी होगा। इसके बाद डेविड को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर गया होता है, और अब जब वो अपने घर पर होता है तो उसे बहुत सूनापन महसूस होता है, जैसे कोई उसकी लाइफ से चला गया है, और वो एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है। कि तभी उसके सामने एलिजाबेथ आके खड़ी हो जाती है और ये दोनों एक डेट पे जाते हैं उस दिन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। और डेविड और एलिजाबेथ एक सुंदर सी गार्डन में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उस शाम को घूमते हैं, और एलिजाबेथ उसे बताती है, पता है यह गार्डन मैं हर रोज़ अपने सपने में देखा करती थी, अब पता नहीं इस सपने से मेरा क्या लिंक है, लेकिन ये गार्डन मुझे अपने सपनों में नजर आता था, हो सकता है कोमा मुझे ये गार्डन दिखता हो, और तुमने मुझे यह लाया मुझे बहुत अच्छा लगा।
तभी वहाँ पे डेविड को उसके रियल एस्टेट ब्रोकर का कॉल आता है और वो उसे बताती है, बधाई हो डेविड, तुम जिस रेंट रूम में रह रहे हो अब उसे तुम खरीद सकते हो, मतलब कि ये रूम तुम्हारा हो सकता है। इसका मतलब ये होता है जो एबी होती है शायद उसकी बहन ने उस पेपर पे साइन कर दिया है जहाँ पर वो लोग उसे अब कोमा से हटाने वाले थे, मतलब कि अब एलिजाबेथ मरने वाली है और वो घर उसका होने वाला है। डेविड कहता है, एलिजाबेथ मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें बचाने के लिए जो हो सकता है मैं वो करूंगा। इसके बाद डेविड और एलिजाबेथ इसकी बहन के घर पे जाता है जहां पर डेविड उसे बताता है कि पता है मैं तुम्हारी बहन से बातें कर सकता हूं, और उसे बहुत सारे ऐसे राज की बात बताता है जो कि सिर्फ एलिजाबेथ जानती थी। उसकी बहन एबी ये सारी बात मानने से इनकार कर देती है और वो कहती है, सॉरी तुम कितने भी कोशिश कर लो लेकिन अब ये बहुत देर हो चुकी है, दरअसल मैं वहाँ साइन कर चुकी हूँ और एलिजाबेथ नहीं है, अब हमें ये सच्चाई को शायद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कि तभी डेविड कहता है, पता है तुमने अपने शादी के एक घंटे पहले अपने बॉयफ्रेंड को किस किया था। इस पे एबी घबरा जाती है और पूछती है, ओ माय गॉड आखिर तुम हो कौन, और उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है और उसे कहती है, निकल जाओ मेरे घर से। और यहाँ पे किसी प्रकार से डेविड अपना जान बचा के वहाँ से निकलता है। इसके बाद डेविड और एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और वो लोग हर एक वो कोशिश करते हैं जिससे वो बच सकते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। आखिरकार शाम को थक हार कर डेविड एलिजाबेथ से पूछता है, तो ये तुम्हारी आखिरी रात है, तुम कहाँ जाना चाहती हो, तुम्हारे साथ जो भी ख्वाब है वो मैं तुम्हारा पूरा करूँगा, क्या तुम्हें पेरिस जाना है, लंदन घूमना है, तुम जहाँ जाओ वहाँ हम चल सकते हैं। इस पर एलिजाबेथ कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बस अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात तुम्हारे साथ बितानी है। और ये दोनों बेड पर एक दूसरे को देखते हुए सो जाते हैं। सुबह जब डेविड उठता है तो वहाँ पे एलिजाबेथ नहीं होती और वो घबरा कर चिल्लाता है, एलिजाबेथ तुम कहाँ गई। ये तभी एलिजाबेथ सामने से आती है, कहती है, ओ बाबा अभी मैं नहीं गई हूँ। इसके बाद डेविड कहता है, मैंने रात भर बहुत सोचा और मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त प्लान है जिससे मैं तुम्हारी लाइफ बचा सकूँ। एलिजाबेथ पूछती है, ऐसा क्या प्लान है। डेविड बोलता है, मैं तुम्हारी बॉडी को चोरी कर लूँगा। एलिजाबेथ कहती है, पागलपंती मत करो, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें सालों के लिए जेल हो जाएगी और तुम्हारी करियर तबाह हो जाएगी। डेविड कहता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद डेविड अपने बेस्ट फ्रेंड जैक के पास जाता है और उसे अपने इस काम में मदद करने के लिए कहता है क्योंकि जैक एक ऑलरेडी डॉक्टर रहता है जो कि उसकी मदद करेगा। हालांकि शुरू में जैक उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। डेविड जब उसे बोलता है ये किसी की जान की बात है तो जैक कहता है, अच्छा ठीक है डॉक्टर है तो इतना तो बनता ही है। इसके बाद जैक और डेविड निकल जाते हैं उस अस्पताल में जहां पे ये लोग एलिजाबेथ को चुपके से यहां पे वेंटिलेटर से हटा के अपने बेड पे ले लेते हैं। लेकिन जैक जब एलिजाबेथ को देखता है वो उसे पहचान जाता है और कहता है, अरे यार इसे तो मैं जानता हूँ, दरअसल जो ब्लाइंड डेट मैंने तेरी फिक्स की थी वो यही लड़की थी। और जो दोस्तों आपको शुरू में मूवी में दिखाया गया था कि उसकी बहन कहती है आज तुम्हारा ब्लाइंड डेट है, वो दरअसल वो डेविड के साथ ही होता है। यह दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए ही बने थे, इसी वजह से डेविड को ये दिख रही थी। तो ये रीज़न था डेविड को एलिजाबेथ दिख रही थी क्योंकि ये दोनों डेट करने वाले थे लेकिन नहीं मिल पाए, और यही रीज़न होता है डेविड को एलिजाबेथ दिखती है बार बार। इसके बाद वो लोग उसे अपने एक पर्सनल बेड पे लेते हैं और उसे वहाँ से लेके निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ का डॉक्टर उन्हें देख जाता है और सिक्योरिटी बुलाता है, और पूरी सिक्योरिटी इनको पकड़ने वाली ही होती है कि तभी यहाँ पे एलिजाबेथ का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है वो अचानक से डीएक्टिवेट हो जाता है और एलिजाबेथ की जान जाने लगती है। और जो सामने एलिजाबेथ खड़ी रहती है वो कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं अचानक से गायब कैसे होने लगी हूँ। इसका मतलब ये रहता है कि अब एलिजाबेथ इस दुनिया से जा रही है। कि तभी डेविड को कुछ समझ नहीं आता तो उसे वो अपने मुँह रास्ते शांत होता है, मतलब उसे किस करता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उसको धर दबोचते हैं वहीं पर। कि तभी थोड़ी देर बाद दोस्तों दिखाया जाता है जो एलिजाबेथ मरने वाली होती है उसके अंदर अचानक से उसे खांसी आने लगती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे होश आ जाता है। वो होश आते ही अपने सामने अपनी बहन एबी को पाती है और कहती है, ओ एबी। क्योंकि तभी वहाँ पे डेविड भी आता है और कहता है, आखिरकार हमने कर दिखाया। इस पे एलिजाबेथ पूछती है, एक्सक्यूज मी आप कौन, मतलब कि जब उसे होश आया तो वो एलिजाबेथ डेविड को भूल चुकी होती है। इसके बाद डेविड भी वहाँ से निराश होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने घर पे मूव हो गई होती है और अपने पुराने घर पे आके बहुत खुश होती है। ये तभी जब वो छत पे जाती है तो उसे वहाँ पे डेविड मिलता है जिसने उस पूरे छत को गार्डन की तरह सजा दिया जाता है जैसा कि उसने सपने में देखा होता है। इस पे एलिजाबेथ कहती है, गार्डन तो मुझे सपनों जैसा लग रहा है और कुछ देखा देखा लग रहा है। डेविड कहता है, यह कोई सपना नहीं है,
हम सब साथ में थे, पर अब तुम्हें नहीं याद है तो मैं क्या करूं। इस पे एलिजाबेथ कहती है, तुम यहां तक आए कैसे? डेविड कहता है, तुमने ही मुझे बताया था कि तुम्हारा डुब्लेट के फायर एक्सटिंग्विशर के नीचे रखा हुआ है, और वहां से जाने लगता है कि तभी एलिजाबेथ कहती है, रुको, और उसे कहती है, यहां से जाने से पहले मेरा डुप्लीकेट की तो देते जाओ। और डेविड उसे उसका डुप्लीकेट की उसके हाथों में सौंप देता है। लेकिन जैसे ही इन दोनों का हाथ टच होता है तो एलिजाबेथ की जितनी भी यादें होती हैं पुरानी, जो कि पल इसके साथ बीते हुए थे, वो सभी उसको याद आ जाते हैं और उसको सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद ये दोनों को कुछ समझ नहीं आता, ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, और इसी के साथ ये हैप्पी मूवी एंड हो जाती है। ये थी दोस्तों जस्ट लाइक हेवन 2005 में आई ये मूवी। आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करूंगा ये मूवी पसंद आई। अगर पसंद आई दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे अपनी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।